राष्ट्र के निर्माण में लिया गया कोई भी डिसीजन हो, हम छात्र सब राष्ट्र निर्माण हेतु जो भी डिसीजन सरकार ले रही है हम उसके साथ हैं। बात रही कि 18 से 21 कर गया, तो मेरे को नहीं लगता कि हम उस मैच्योर स्थिति में रहते हैं कि 18 में हम शादी करके और अपना घर परिवार बसा पाएँ। ये तो बहुत बेहतरीन सोच है जो हमको दिखाया गया है रास्ता, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले भी बाल विवाह को लेके कितनी धाराएं और कितनी चीज़ें चली आती थी। आज उन्हीं लोगों को दिक्कत है। आपको आपके इस चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूं कि इस आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के एमपी हैं जो वकर करके हैं, उनका नाम तो मैं नहीं जानता क्योंकि वो बाबर की औलाद है, क्योंकि उनके ही उसमें सिखाया जाता है कि अपने बहन से शादी कर लीजिए, अपने परिवार में शादी कर लीजिए। वो लोग हैं क्योंकि इनको इनके संस्कार इनके इनके जो गुण है वो बाबर के ही यहाँ से आया हुआ है। और दूसरी बात कि ये वो लोग हैं, वो आतताई हैं जो हमेशा से राष्ट्र निर्माण के लिए लिया गया कोई भी डिसीजन हो उसके खिलाफ ये खड़े ही रहते हैं। चाहे अबू आज़मी हो, उनका बयान सुन लीजिए, चाहे इनका जो मुंबई वाले अबू आज़मी हैं उनका सुन लीजिए, चाहे अपने वकर जी जो हैं उनका सुन लीजिए। और रही बात, अगर हम 21 साल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोच रखते हैं कि वो पढ़ लिख के और अपने आप को मैच्योर कर सके कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी आगे बढ़ा सके। अबू आज़मी तो कह रहे हैं कि हम अपनी बहन के साथ भी बेटी के साथ भी अकेले नहीं रहते हैं, सताना भी हो जाता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि तो मैंने आपको इसी एक लाइन में बोला, वो बाबर की औलाद हैं जो अपने बहन और बेटियों को भी एक समान नज़र से देखते हैं जैसे अपनी बीवी को देखते हैं। ये वो औलाद हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज की स्थितियाँ ये जो लोग बयान देते हैं, मैं मानता हूँ कलाम को मानने वाले मुसलमानों को, मैं मानता हूँ जो कलाम को पढ़ते हैं, क्योंकि आज जो लोग बाबर की सोच रखते हैं वही लोग समाजवादी पार्टी में भी हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी डिसीजन जो भी अभी कुछ लोग कह रहे थे, मैं सुना भी है कि ये डिसीजन गलत है, जो उनके ही माध्यम से सुना है जो भी सपा के नेता लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि उन्होंने जो वो धारणा बना रखी है कि बचपन में ही बेटियों की शादी कर दी जाए, जनसंख्या बढ़ा दी जाए, ये सब एक तरीके से सोची समझी चाल है जो इनके द्वारा रची जा रही है। अच्छा, ये जो 3 साल बढ़ा दी गई है, 18 से 21 कर दी गई, इसमें क्या लाभ आप देखते हैं? क्योंकि एक तरह के अभी दिया जा रहा है कि 18 साल में वोट दे सकते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते। मैं मानता हूं आपकी बात, 18 साल में वोट दे सकते हैं, वोट देने के लिए हम उतने 12 तक शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन परिवार चलाने के लिए हमारे अंदर मैच्योरनेस होनी चाहिए। कहीं अगर हमारे अंदर मैच्योरनेस नहीं है, हम अपने बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? क्योंकि मैं देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको ये बता देता हूँ, एजुकेशन सिस्टम में जो भी लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर ये लोग बयान देते हैं कि लड़कियां आवारा हैं, आवारा हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है, कहीं ना कहीं इनके कुंठित मानसिकता को दर्शाता है कि वो लोग जो लड़कियों को कभी बढ़ने नहीं देना चाहते, बचपन में ही उन पर जिम्मेदारियां लाद देना चाहते हैं कि वो बस और बस एक कठपुतली बन के रह जाएं जो घर और परिवार चलाती रहें और इनका वंश बढ़ाती रहें। बच्चे भी कम पैदा होंगे अब तो। वही मैंने बोला ना, जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। क्यों इंदिरा गांधी ने जब दिया था ये बयान, हम दो हमारे दो, तो इन लोगों ने तब भी उनका नकार दिया था, और आज जब योगी जी और मोदी जी ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लागू हो, तो ये उसी के एक पार्ट है जिसमें ये डिसीजन लिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, अभी काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन हुआ, वहाँ पे आप देखे होंगे बंगाल से एक मुस्लिम व्यक्ति आता है, बोलता है कि हम मस्जिद जो हमारी ढक गई है, हमको बड़ा दुख हो रहा है, क्या कहेंगे इस? इनके वो वीडियो मैंने भी देखा है और तमाम छात्रों ने भी देखा होगा, लेकिन आपको बता दूं, ये वीडियो बनाने वाले पत्रकार की भी गलती है और जो वीडियो पे बयान दे रहा था उसकी भी गलती है। दोनों का मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि पहला बयान देने वाले ने बोला कि हमारे मस्जिद को ढक दिया गया, हमने तो अगर हमारा तो मंदिर तोड़ा गया था, हमारा तो मंदिर तोड़ के वहाँ अपना ये लोग मस्जिद बना रहे थे, तब भी हम लोगों ने नहीं बोला। बहुत सी चीज़ें हुई जिस पे हम नहीं बोलते, क्योंकि हम सनातनी धर्म वाले लोग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम नहीं चाहते कि विवाद हो, और ये तो पहले से ही अराजक तत्व अतताई रहे हैं। और आप कभी भी जाके देखिएगा, जिसको वो लोग मस्जिद बोल रहे हैं वो मंदिर है, मंदिर के ऊपर मस्जिद बना रखा है। अगर आज जाँच हो जाए, अभी तो चीज़ें सिस्टमेटिक वे में उनको थोड़ी जगह दी गई है, लेकिन आने वाले समय में वो भी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले से मंदिर है, शिव का मंदिर है। आप नीचे जाके देखिएगा, वो जो वहाँ कलाकारियाँ बनी हुई हैं वो शिव की मंदिर को प्रमाणित करती हैं। और ये लोग जो कह रहे हैं कि उसको ढक दिया गया, ढका नहीं गया है,
इसको तो अभी सही वे में लाया गया है कि हमारा जो धर्म है, जहाँ हमारी प्रकाशता, जहाँ हमारा स्नेह है, वहाँ हम अपनी चीज़ों को सही कर रहे हैं और सही वे में ले जा रहे हैं। ये भी हो रहा है कि सरकारी पैसे भी ये सब खर्चा हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है जी, कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी और योगी जी अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूँगा कि वरुणा कॉरिडोर क्या है, गोमती रिवर फ्रंट क्या है, चारा घोटाला क्या है, ऐसे तमाम ऐसे घोटाले जिनको मैं गिनाने लग जाऊं तो आपका वीडियो भर जाएगा कई MB से, लेकिन उनकी घोटाले नहीं ख़त्म होंगे। ये और ये जो चीज़ें, हाँ, लखनऊ का हज हाउस देख लीजिए, और लखनऊ, ये लोग वही लोग हैं जो क्या कहते हैं, कहते थे कि आज अगर आपको हज की यात्रा करनी है तो वहाँ पर ये सब्सिडी देते थे, लेकिन आज हम कांवड़ियों पे, जो भी जो भी नवरात्रि की पूजा हो इस पे ये लोग बैन लगाने वाले लोग हैं। आज आप देख लीजिए, हम कांवड़ियों पे फूल वर्षा कराते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने धर्म के प्रति एक होके हम लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई अंत तक जारी रहेगी जब तक हमारे धर्म की बात, जो अगर कोई सामने से अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ हम खड़े होंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप लोग बताइए, जो लड़का आगे रो रहा था बंगाल से, उसके बारे में क्या कहेंगे, मस्जिद जाके इस तरह का जो, वो एक कह सकते हैं मेलोड्रामा, जो कि हमेशा से किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, कि अपने मतलब अपने आप को ऊपर कर दिया जाए, और एक तरफ एक वोट बैंक की राजनीति भी होती है इसको कह सकते हैं, एक तरफ अपने आप को मासूम बना लिया जाता है और चीज़ों को, जो सही चीज़ें हैं उनको छुपा दिया जाता है, क्योंकि पब्लिक को यही पसंद आ गई है आज के डेट में, वो सच्चाई पर नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप लोग वहाँ का जांच का विषय है, जांच करने के लिए वहाँ पर तैयार, लेकिन नहीं है लोग, तो जांच करनी चाहिए वहाँ पर, जैसे मंदिर वहाँ पर क्लियर दिखता है कि वहाँ पर जो उसका पिलर है पीछे बैक साइड जो है, वो सब हिंदू वास्तुकला से बना हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं वो मस्जिद है, मैं ये कहता हूँ कि वो मंदिर है। एक चीज़ मैं बस कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं और हम ही एकमात्र इस दुनिया में, इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में हम ही एक ताकत के साथ अपनी आवाज़ में कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इस भावना के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम लोग इस धरती पर हैं, इस धरा पर हैं, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी का विकास रुके या किसी को हम क्षति पहुंचाएं, लेकिन जब जब हमारे धर्म पर, जब जब हमारी इस धरा पर, जब जब हमको ललकारा जाएगा, जब जब हमको प्रताड़ित किया जाएगा, या जब जब हमें लगेगा कि हमारे धर्म पर संकट है, तब तक मजबूती के साथ हम सभी युवा एक साथ मिलकर अपने धर्म को बचाने का काम करेंगे। पार्वती पते हर हर महादेव, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। राहुल गांधी तो कह रहे कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, हिंदू ठीक है लेकिन हिंदुत्व वाले आतंकवादी होते, इस तरह का बयान दे रहे हैं। भैया, अब राहुल गांधी को तो मैं क्या ही बोलूं, अभी भी वो बच्चे ही हैं, जिन्हें ना तो संगठन का मतलब पता है, न राष्ट्र का मतलब पता है, न ही देश का मतलब पता है कि देश को कहाँ ले जाना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हिंदू आज ढोंग करने के लिए जनेऊ पहन लेते हैं, तो क्या वो कहाँ गया, इसको तो हम हिंदुत्व ही कहते हैं, और राष्ट्रवाद का मेन मतलब होता है हिंदुत्व, हम तो यही मानते हैं भैया और यही जानते हैं। मैं आपके चैनल से एक सवाल राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि वो राष्ट्रवाद और देशभक्त, मतलब राष्ट्रभक्त और देशभक्त में अगर अंतर वो बता दें तब हम उनसे बात करें कि राष्ट्रवाद क्या है, हिंदू और हिंदुत्व क्या है। देखिए, हिंदू एक संज्ञा है, आप क्लासिक्स में पढ़े होंगे, अगर किसी में त या त्व लगा दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, क्या बात। तो हिंदू में त लगा देने से हिंदुत्व बनता है, जो हमारी भावनाओं को दिखाता है, न कि कट्टरता को दिखाता है। इसीलिए राहुल गांधी को शायद पढ़ना चाहिए, उनको तो हमको लगता है गिनती भी सही से नहीं आती, आलू डाल के सोना निकाल देते हैं, तो इस पर उनको मंथन करना चाहिए, मंथन करना बहुत आवश्यक है। इस चीज को वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो चुनाव के साथ अपनी वेशभूषा बदलते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो लोग चुनाव आने पर टोपी भी पहन सकते हैं, मेन वो खबर भी धारण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। मैंने बोला ना एक लाइन में कि ये बाबर की औलादें हैं जो कभी नहीं बदलने वाली, इनके मन कुंठित है, इनकी सोच जो है नीच है, जो कभी ना कभी कभी नहीं बढ़ सकती, ये बस और बस राष्ट्र को तोड़ने का कार्य करेंगे।
जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है क्योंकि वुमेन इम्प्रूवमेंट की जो हम लोग बात करते हैं वो एक पेपर पे ना रहकर जमीनी स्तर पर पहुंचेगा। महिला सशक्तिकरण में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है भाजपा सरकार के द्वारा अब तक के इतिहास में, महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ा उठाया गया। आज के भी डेट में अगर आप देख लीजिएगा तो 21-22 में ही लड़कियां की शादी हो रही है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ कि उनको घर भेज दे रहे हैं लोग। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब हम लोग कर रहे हैं तो सही है, सब चीज़ पढ़ लिखा लिख कर अपने एस्टेब्लिश कर लें, लेकिन लड़कियों के लिए वही चीज़ें गलत हो जा रही हैं। ग्रेजुएशन पूरा करने में भी तो कई साल लग ही जाते हैं। तो आराम से लग जाएगा। एक बात और, आज किसी भी समस्या का कारण है जनसंख्या। जब हम क्लास 9th में पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था जनसंख्या वृद्धि का एक कारण होता है जल्दी शादी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 21 वर्ष कर देने से जनसंख्या पर नियंत्रण भी होगा, इस बात को हमको आपको मानना चाहिए। जैसे मेरे छोटे भाई ने बोला, विमेन एम्पावरमेंट को हम बढ़ावा जब दे रहे हैं, जब इक्वलिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिसीज़न तो बहुत ही शानदार है। क्योंकि अगर लड़के की उम्र 21 है और लड़की की 18 है तो आप कैसे तय कर सकते हैं कि परिवार एक बराबर चल सकता है? इक्वलिटी की जब बात करते हैं तो दोनों को 21 रख दीजिए, दोनों एक बराबर चलेंगे, परिवार आगे बढ़ेगा, सुखी रहेगा।